ये वीडियो बना रहा हूँ मोबाइल से जीमेल कैसा बनाने का। देखो, हर एक मोबाइल के लिए जीमेल का होना ज़रूरी है, नहीं तो आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं कर सकते। और देखो, इधर जीमेल गूगल प्ले से लॉगिन करने के बाद भी आपका जीमेल 3 जगह में काम करेगा। आपको देखो, प्ले स्टोर में काम करेगा, यूट्यूब में काम करेगा, देखो यूट्यूब में भी काम करेगा, और तीसरी जगह है देखो, आपके अकाउंट्स इधर भी जाके रहेगा। देखो, आप इधर जाके देख सकते हैं अकाउंट्स के अंदर, आपको इधर भी जीमेल आपका इधर रहेगा। बस आपको एक जगह पे लॉगिन करना है। देखो, इधर भी जाके आपका लॉगिन हो जाएगा। देखो, अभी इधर पूछ रहा है, मैं अभी जाके प्ले स्टोर से ही आपको दिखाता हूँ कैसे इसको लॉग जीमेल को तय अपने जीमेल बना सकते हैं। देखो, इसके लिए ऐसा लॉगिन होने के बाद आपको इधर पूछेगा। देखो, आपको अगर पुराना जीमेल है तो आप इधर डायरेक्ट मार के नेक्स्ट को क्लिक करने के बाद आपका जीमेल ओपन हो जाएगा। अगर नया बनाना है तो देखो, इधर आपको क्रिएट पर क्लिक करना है। देखो, क्रिएट पर क्लिक करने के बाद देखो, माई सेल्फ यानी आपका ईमेल है या तुम्हारे बच्चे का ईमेल है। मैं इसके बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगा, जो एक बच्चे का और बड़ों का ईमेल में क्या फ़र्क होता है अगर मोबाइल में यूज़ करने के बाद। इंशाल्लाह मैं इसका वीडियो आगे की वीडियो में कभी भी बनाऊंगा, टाइम मिले तो। अभी मैं इसके बारे में बताऊँ जो ईमेल बनाते हैं कैसा है उसके बारे में। देखो, आपको माई सेल्फ पे ओके करना है। ऐसे ओके करने के बाद देखो, आपको इधर नाम पूछेगा। अभी एक सिंपली मैं एक नाम डाल देता हूँ ऐसे ही। देखो, एक फर्स्ट नेम और एक लास्ट नेम अपना यूज़ करो और बाद में इधर नेक्स्ट करो। देखो, ईमेल में कभी भी अपना ओरिजिनल बर्थडे डालो, क्योंकि आजकल J7 सीरीज में अगर आपके मोबाइल में ईमेल फॉरगेट हो गए तो आप दूसरा ईमेल डाल के लॉगिंग नहीं कर सकते। उसको फिर रिसेट करने के बाद भी वही पूछता है ये, क्योंकि नया नया अभी आया, पहले तो कौन सा ईमेल भी डालने के बाद भी मोबाइल चल सकता था। अभी ऐसा नहीं है, अभी वही ईमेल ज़रूरी है। बार बार पूछेगा, नहीं तो तुम्हारा ईमेल लॉगिंग नहीं हो जाएगा। वो मोबाइल बोलेगा, तुम्हारा ये नहीं है, ये मोबाइल तुम्हारा नहीं है, ऐसा बोल के बोलेगा। इसलिए ईमेल को और डेट को सही से रखो। अभी मैं डेट डालता हूँ ऐसे आपको दिखाने के लिए। देखो, बाद में आपको इधर जेंडर में आना है। जेंडर में कौन सा आप उसको सेलेक्ट करो, बाद में इसको नेक्स्ट करो। नेक्स्ट करने के बाद देखो, आपको इस तरह आएगा। तो आप इधर आपके ईमेल कौन सा नहीं मैं चाहिए तो वो इधर मार दो। अभी मैं इसे ही मार देता हूँ इधर ये। देखो, बाद में आपको नीचे ये करो, देखो अभी मेरा नाम पहले का नाम मारा तो नहीं आया, मैं दूसरा नाम मारने के बाद देखो आ गया। अभी मेरे को इधर नीचे सजेस्ट करता है कौन सा चाहिए, कैसा चाहिए, आपको कौन से हिसाब से। इधर भी डायरेक्ट मार सकते हैं आप ऐसे कि नहीं। अभी देखो, मैं इधर एक ये मारने के बाद देखो, ये मेरे को लेके जाएगा अंदर। आपको हिसाब से कौन सा चाहिए वो हिसाब से इधर ये करो। बाद में इधर देखो, ऊपर भी सेम पासवर्ड, नीचे भी सेम पासवर्ड डालो, और पासवर्ड ऐसा डालो जैसे कि एक इंग्लिश लेटर भी रहना चाहिए और एक कुछ नंबर भी रहना चाहिए, तभी वो क्या होता है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में लेता है। अभी मैं पासवर्ड मार देता हूँ। पासवर्ड दोनों को भी मार दिया। देखो, इधर ऊपर भी सेम आना चाहिए, नीचे भी सेम, मिनिमम 8 नंबर के हिसाब से रहना चाहिए। बाद में इधर आप नेक्स्ट करो। इसको अभी आपको मोबाइल नंबर वो सब कुछ नहीं पूछेगा। अगर मोबाइल नंबर डालना चाहते हैं तो भी आपको फ़ायदा है, क्योंकि रिकवरी के लिए काम आएगा। अभी मैं आपको दिखाने के लिए मैं नहीं डाल सकता। आप अगर इधर मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको इधर ये पूछेगा क्या कैसा है क्या बोलते हो, लेकिन मैं अभी क्या करूँगा, इसको नीचे जाऊँगा। नीचे जाऊँगा तो इधर स्किप है, स्किप है तो मुझे नंबर नहीं चाहिए। अगर इधर आप नंबर डालते हैं तो आपको इधर ये कहना चाहिए, यस आई एम इन बोल के, यानी मेरा ही है बोल के। अभी मैं स्किप करूँगा। स्किप करने के बाद देखो, आपको इस तरह ओपन हो जाएगा। तो आपको इधर क्या करना है, एग्री पे ओके करना है। एग्री को देखो, आपका ये हो जाएगा। देखो, अभी इसमें प्ले स्टोर, जीमेल, लोकेशन, ये सब को एक आपके आप ये पकड़ लेगा। ये चार इस पांच ऐप को अपने आप पकड़ लेगा, और बाद में इसको नेक्स्ट करो। देखो, अभी मैं पहले प्ले स्टोर ओपन करने चाह रहा था, नहीं हुआ था। अभी देखो, मेरा ईमेल लॉगिन होते ही प्ले
प्ले स्टोर भी ओपन हो जाएगा। अभी देखो मैं इधर एक होता हूँ, देखो अभी मेरा प्ले स्टोर ओपन हो गया, पहले तो ओपन नहीं हो रहा था। अभी देखो आपको इधर जाओ, यूट्यूब में भी जाओ तो उधर भी आपका ईमेल उधर दिखाई देगा। देखो आप उसको कनेक्ट करते हैं, देखो कनेक्ट हो गया आपका ईमेल। खाली उधर जाके सिंगिंग पे ओके करते हैं, आपका ईमेल उधर कनेक्ट हो जाएगा। आप इधर देख सकते हैं, देखो इधर आपका ईमेल कनेक्ट हो गया। बाद में आपको अगर इधर देखना चाहते हैं, देखो आपको एक ही जगह भी आप प्ले स्टोर में प्ले करने के बाद देखो तीन जगह भी ऑटोमेटिक वो आ जाएगा। आप सेटिंग में जाओ और सेटिंग में जाके अकाउंट में ओपन करो। बाद में देखो इधर जीमेल बोल के ये करो, देखो आपका ईमेल इधर आ गया। आप इस तरह ईमेल आसानी से बिना मोबाइल नंबर के बना सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही मैं कुछ डेली वीडियो अपलोड करते रहता हूँ।